हाय गाइस, आज आपके भाई के सर्वर में सिप आ गया। तो जैसे ही आपके भाई ऑन आता है, भाई सिप आ जाता है, ठीक है। तो मैं सोचता क्यों ना चलो भाई अकेले ही चलते हैं। ऐसे आपका भाई निकला था रूम करने के लिए। अब मेरे को पर्पल कार्ड मिल भी नहीं रहा था, तो मैं मतलब जो सोचा यार चलो ब्लू और ग्रीन कार्ड ही लेके चलते। लेकिन देखा भाई सिप, और साथ में देखी भाई एक सामने ही बोट खड़ी थी। मैं बोला चल भाई सबसे पहले बोट पकड़ के सिप पे चलते। अब मैंने सोचा यार चलो इसी बहाने अगर सोलो अगर सिप लूट के लाऊंगा या तो वीडियो पे व्यूज भी अच्छे जाएंगे। तो इसलिए आपका भाई मतलब मन में लड्डू फूटे भाई, मतलब चल पड़ा सीधा, ठीक है। तो अभी देखो भाई आज की वीडियो लिटरली बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाले, क्योंकि आज आप विश्वास नहीं करोगे यार, एक छोटी सी पीवीपी करने से भाई आज आपके भाई को दो दो बजूका मिल गए भाई। मतलब मेरे को, मैंने पूरा कोशिश करा भाई बजूका मतलब निकालने का, मतलब ड्रॉप से मिल जाए। उस दिन ड्रॉप पे गया गाइस, आपको पता ही किस तरह उन्होंने मतलब मेरे हेलीकॉप्टर की धज्जियां उड़ा दी थी। और मतलब मेरे को पहले ही कूद जानी चाहिए थी, लेकिन मैं कूदा नहीं भाई, मतलब हेलीकॉप्टर की फुल धज्जियां उड़ गई। और फिर उस दिन हैकर ने मेरे को किल कर दिया भाई, मतलब मेरे हाथ से बजूका चला गया था आज। लेकिन भाई मतलब आज जब आप वीडियो देखो ना, मतलब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो आपका भाई फाइनली किसी भी तरह मतलब यहाँ पे सिप पे पहुंच चुका है। मैं सोचा यार सिप में डायरेक्ट ठोके डाल रहा हूँ अपने बोट को, या तो मेरा सिप या तो सिप मतलब बचेगा या मतलब मेरी बोट ही डूबेगी। लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब मेरी सिप बेचारी पता नहीं कहाँ जाती है, मतलब जो छोटी सी मेरी जो बोट है वो मतलब उसका पता नहीं यार कहाँ जाता है। फिलहाल मैं एक बार पहले रिपोर्ट चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे को दो बंदे दिख गए, एक वही बंदा है बोट स्केयर। आप वो उस बोट से डरने वाले बंदे को आपने पहचान लिया होगा, वो कौन है जिसे हमने हार्बर में दो दो बार मारा था। अब वो बंदा अपने को नूब नूब बोल रहा है। अब वो ये बंदा जब भी किल होता है ना गाइस तो नूब नूब बोलता है। आई होप कि यहाँ पे वो बंदा मैं उसे मारूं यार, मतलब बस इतनी सी ख्वाहिश है भाई। मतलब वो बंदा मुझे ना मारे, कोई दूसरा मतलब भाई दूसरा क्यों मारे भाई, जब वो ना मारे तो दूसरा क्यों मारे भाई। मैं यार लूटने आया हूँ भाई, अपनी वीडियो बनाना है, ठीक है। तो दूसरा नहीं मानने का भाई, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मेरे को लूटना है। तो यहाँ पे जैसे आपका भाई लैडर पे चढ़ने की कोशिश करता तो मतलब ये तो चढ़ नहीं पाता फिर, लेकिन भाई बहुत कोशिश के बाद चढ़ जाता हूँ। लेकिन तभी सामने मेरे को एक बंदा दिख जाता भाई हिल डोल करते हुए। ये देखो भाई, मैं सोचता हूँ यार वो बंदा अब मैं कैसे चढ़ूँ कैसे चढ़ूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आता भाई, वो जैसे पीछे मुड़ेगा ना तो फिर हम मतलब इधर से चढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो बंदा अभी पूरा नज़र रखे हुए भाई कि मतलब कोई बंदा ना आ जाए। तो अभी वो पीछे की साइड मुड़ चुका है, आई थिंक वो बंदे ने शायद मुझे देख लिया। अब वो मेरे को देख लिया, मारो 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 यार किल। ओ भाई फाइनली जाके वो बंदा किल हो गया है भाई। होप गई मतलब कोई दूसरा बंदा ना आ जाए यार। मतलब एक और बंदे का नाम दिख रहा ना, ओपी करे, ये थाई बंदे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा भाई, कई थाई बंदे का मतलब हमने खूब जाके मतलब उसे मारा है। तो इसीलिए मतलब एक थाई बंदे का बेस हमारे बेस के पास में ही है, मतलब जो बंदा अभी बोट पे है ना उसका बेस हमारे बेस के पास में ही। तो इसीलिए मेरे को मन में लग रहा भाई कई मतलब वो बंदा मेरे को बदला ना निकालने भाई यहाँ पे, तो ठीक है। अभी चलो फटाफट से हम इसकी लूट उठाते हैं और देखते हैं इसके पास हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उससे पहले भाई मैं अपनी बैंडेज पट्टी कर लूँ, वो सर ज़्यादा सी होगी ना। चलो ओके गाइज, अभी हम इसके चेस्ट से, ओ भाई M762 और आयरन का आर्मर मिला। ऐसे तो मेरे पास आयरन का आर्मर था ही पहले से, मतलब मिल ही गया था भाई ऐसे, बहुत दिनों तक मैंने खोजा था नहीं मिला था, लेकिन मिल ही गया था। फिर अभी फिलहाल आ गई है मेरे पास एक M762। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना M762 को हम सेफ में डाल देते, और मैंने इस बार एक एटेक्स भी बना के लाया हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई अगली बार क्या होता ना, जब बंदे दूर थे तो वो मेरे को दिख ही नहीं रहे था और मैं उससे किल हो गया था। तो इसीलिए मैं इस बार एटेक्स बना के लाया हूँ कि इस बार किल नहीं होना और इस बार बच के रहना। देखिए अभी कौन, अभी मात्र एक बंदा बचा है, वो थाई बंदा बचा हुआ है। ऐसे थाई बंदे का प्ले टाइम भाई 4000 घंटे से प्लस है, मतलब 4500 घंटे का बंदा है ये। आई होप मैं इसे किल कर दूँ, ये जो ड्रॉप है वो मेरा हो जाए यार, फिर तो भाई मजे है भाई अपने। तो यहाँ से मतलब देखना ज़्यादा सही रहेगा ना यार। हाँ मतलब ये एरिया सही है मतलब देखने के लिए भाई। इसे मेरे को गन वगैरह चलने की आवाज़ आ रही है गाइस, मतलब वो बंदा है तो बोट पे ही है लेकिन कहाँ पे ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बंदा दिख ही नहीं रहा कहाँ पे यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। एक मिनट गाइस रुक जाओ, पानी में तो कोई नहीं है। ओके इसे, क्योंकि पानी से भी तो आजकल मतलब गन वगैरह फायर कर सकते हैं ना इसीलिए। ओ भाई बंदे का फुटप्रिंट है, सिट सिट, ये रहा बंदा। अरे सिट यार, ये क्या भाई सिप के मॉन्स्टर ने मार दिया सिट यार, बैड लक भाई। चलो कोई नहीं यार, तो यहाँ पे आपको भाई डायरेक्ट बेस पे ना होना के मैं सीधा ऑन आ जाता हूँ भाई, रैंडम ऑन आ जाता हूँ, ठीक है। जब मैं रैंडम ऑन आता हूँ तो सीधा मैं न्यूक्लियर पे आ जाता हूँ, और मैं देखता हूँ भाई यहाँ न्यूक्लियर में भी एक बंदा था जिसका नाम आ रहा था। ऐसे तो यहाँ पे दो तीन बंदे थे, यहाँ पे गोलियों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं सोचा भाई ये गोलियों की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही। तो इस बार मैं मतलब पहले जैसी गलती नहीं करने वाला यार कि मतलब जाके मैं
भाई मॉन्स्टर से किल हो जाऊं, ठीक है यार, मतलब मैं उस मॉन्स्टर से बचा होता ना भाई, तो कम से कम हील वगैरह करके तो कम से कम मैं उसे फाइट लेता। एक फाइट हो के किल होना ये अलग बात होती है ना गाइस। ये देखो ये बंदा मेरे को दिख गया, मेरे को उसकी सारी गुस्सा मैंने इस बंदे पे उतार दी भाई, अपनी फुल मतलब जो भी था मेरे पास फार्मस मैंने इस पे उतार दिया। अभी एक मतलब फिर से एक मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ गया था भाई, एक मॉन्स्टर के कारण तो मैं किल हुआ। अब ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इससे देखते गाइस इससे हमें क्या लूट में। ओ भाई एक आयरन बूट है यार, छोड़ो यार, चलो फटाफट से यहाँ पर रोम हम करते हैं, क्योंकि अपने पास दो दो ब्लू कार्ड है, ठीक है, ब्लू कार्ड अपना गिरा नहीं है, तो अपने पास दो दो ब्लू कार्ड है। यहाँ पे देखता हूँ मैं रूम में, देखता हूँ कोई लूट वगैरह है कि नहीं। ओके गाइस लूट तो है, यहाँ पे भी क्या कार्ड वगैरह है क्या। ओ भाई एनर्जी, भाई भाई अब मैं किलो, भागो भागो भागो। ओ भाई बचाओ, मैं एक और ब्लू कार्ड। ओ भाई तीन तीन ब्लू कार्ड हो गए अपने पास भाई, सारे मॉन्स्टर मेरे ही पीछे पड़े हुए यार। यहाँ पे मेरे डोर खोलते खोलते भाई मॉन्स्टर किल कर रहे हो भाई। भागो भाई भागो, अपनी हेल्थ मात्र 50 है और बैंडेज तो है, 5-6 बैंडेजेस हैं अपने पास, लेकिन भाई इतने से कुछ नहीं होगा। और अपने पास ऐसे मतलब ब्लू पर्पल कार्ड भी नहीं है, और मैं इतने बैंडेज लेके नीचे जा भी नहीं सकता अभी टनल में, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से भागने ही वाला हूँ, यहाँ से पहले मैं थोड़ी सी वायर निकालूँ पहले। यहाँ पे देखो मैंने वायर डाल रखे थे, ये अभी मैं इसे भी नहीं किल करना भाई, क्योंकि अपनी हेल्थ जो है ना वो 50 पे आके रुकी पड़ी है, और कहीं कोई और बंदा आ जाए, वो बंदे आ गए तो दिक्कत हो। ओ भाई 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 यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर है भाई, भागो भागो। मैं सीधा अभी घर पे चलता हूँ भाई, क्योंकि मुझे ना मतलब मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि इनके भाई यहाँ पे कुछ बंदे आए हैं अपने बेस पे पीवीपी करने के लिए। मैं बोला चलो भाई तब मजे लेते यार इनकी। तो यहाँ पे तो मेरे बेस के पास में तो पीवीपी नहीं हो रहा था, जब तक मैं घर पहुँचा तो यहाँ पे तो पीवीपी नहीं हो रही थी। मैं देखा भाई बंडित कैंप के पास में एक टावर सा ऊँचा खड़ा कर रखा है बंदों ने, तो मैं बोला चलो भाई हम भी आते भाई, मजे करते हैं थोड़े पीवीपी। यहाँ पे देखना भाई मतलब छोटी सी पीवीपी से भाई आपके भाई को ना सीधा मतलब आरपीजी मिल जाती भाई, मैं तो मतलब भाई खुश हो जाता हूँ यार कि वाह भाई ऐसी पीवीपी तो मतलब बराबर होनी चाहिए अपने को। तो मतलब मैं फुल कोशिश कर रहा था यार कि मतलब अपने को ये मिल जाए, आरपीजी मिल जाए, रॉकेट लॉन्चर वगैरह मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भाई मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली मतलब भाई आज देखना भाई मतलब मस्त एकदम मतलब इतना मजा आया ना भाई कि मतलब यार बंदे को किल करो सीधा आरपीजी। ये बंदे ना हम लोगों पे सीधा आरपीजी से ही किल कर रहे थे, हम लोगों को मार रहे थे भाई। और यहाँ पे जो दो तीन बंदे मतलब जो आप टीम में देख रहे हो ना, तो ये लोग मजे लेने के लिए अभी आए हुए, ठीक है। इन्होंने बोला कार्लो भाई आए हुए, आप देख सकते हो कार्लो भाई, मतलब कार्लो भाई ने बहुत ही लेट से ज्वाइन करा यार, मतलब वो समझ लो आपको इसी वीडियो में दिख रहा हो, क्योंकि वो मतलब आज ही तो आए ही है, तो मतलब आपको दिखेंगे कब, ठीक है। वो बंदे जब आए तो कार्लो भाई बोले कि इनके भाई मैं आपकी हेल्प करूँ, मेरा सर्वर खत्म हो गया। मैं बोला भाई चलो वो बैच भी अब निकालना ही है, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, 100 घंटे के आसपास है। ऐसे तो अपने काफ़ी बंदे सोए ही रहते हैं और जो भी बंदे, तो मैं बोला चलो ठीक है भाई। एक जो जार्विस नाम का जो बंदा दिख रहा है, इसका बेस अपने बेस के जस्ट बगल में है, और ये भी बंदा अपने को जानता है। तो मैं बोला चलो भाई अभी सारे टीम में आ जाते हैं। और उसके बाद ये जो थाई बंदा है, ये वही थाई बंदा है गाई जिसने मतलब मेरे को वहाँ पे सिप पे मार के मेरी जो लूट ले ली ओपीपी करके, यही बंदा है जो कि बार बार अपने को मतलब बोल रहा था, जो सिप पे इसने किल कर रहा था ना, इसीलिए बार बार हमें चिढ़ा रहा था इंडियन इंडियन इस तरह, मतलब इंडियन नूब करके। तो इसलिए मैं सोचा अच्छा चलो भाई तेरे को सब, मतलब ये देखो ये चार पांच बंदे हैं, ठीक है, ये अपने ये जो है चार पांच बंदे। तो मैं सोचा भाई एक बंदा अकेला फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे काफी देर बाद वेट करने के बाद गाइस जब रात हुआ, तब इस बंदे का दिमाग देखो, ये सीधा रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है भाई रात हो जाने के बाद, क्योंकि दिन में तो इसे पता था भाई कि हम लोग इसे देख रहे हैं, तो इसलिए इसने दिन में नहीं छोड़ा, बाकी जब देखा कि रात हो गई तो चलो अब हमला करते हैं। लेकिन मैं बोला चलो कोई ना भाई, अभी हम भी अपनी टीम में तीन चार बंदे हो चुके थे, मैं बोला कि चलो अब आ जाओ तुम भी हमला करो, कोई ना अभी हम भी तुमसे फाइट लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी चार बंदे, अब हमारे पास भी चार बंदे हैं, ठीक है। तो अभी देखना गाइस वो बंदा मेरे को कितनी गंदी मार रहा है भाई। एक जो जार्विस है वो उसके ऊपर चला चुका है, ठीक है, जो ऊपर छत पर जा चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी छत पर जाने की ट्राई मारता हूँ यार। लेकिन देख रहे हो वो बार बार ना डोर खोल के ऊपर, इसने पीवीपी एरिया बना रखा है, डोर खोल के किल करने की ट्राई मार रहा है। चलो हम ऊपर चलते फटाफट से यार। सिट 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 सिट, ऊपर नहीं पहुंच पाया मैं, अब मैं किल हो जाऊँ। अरे भाई सिट यार सिट, गड़बड़ हो गई गाइस, मैं बोला ना गड़बड़ हो गई, मतलब मेरे को पहले ही पता था गड़बड़। ओ भाई 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 भाई, आ जा आ जा, बगल में ये लोग हैं, आ जा आ जा, जल्दी 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 जल्दी। ओ भाई टीम का फायदा आज हो रहा है भाई, सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, मतलब मेरी जान निकल गई थी यार यार सच्ची में टीम का फायदा मिला, थैंक यू यार। चलो मैं फटाफट से सिरिंज वगैरह मार के रेडी हो जाता हूँ। वो बंदे भी कंफ्यूज हो गए यार, मैंने उसे तो नॉक तो किया था, बाकी वो बंदा गया तो गया का। अब मैं दोबारा से यहाँ पे रेडी सेडी हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई वहाँ से तो मैं उसके टावर पे नहीं जा पाया था, लेकिन यहाँ से जा सकते यार इजीली।
क्योंकि यहाँ से अगर हम फ्लाई करते हैं ना तो उसके टावर पे इजीली हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो मैं एक काम करता हूँ यार, उसके टावर पे चला जाऊँ वरना नीचे बंदा दिख रहा है यार। एक मिनट, नहीं 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 वो बंदे मार रहे हैं अभी, मेरे को ही मार रहे थे। चलो अभी हम यार हेल्थ थोड़ी सी गई है, ज़्यादा नहीं गई अभी। ओके ओके ओके, ओ भाई एक बंदा नीचे से भी मार रहा, भाई एक बंदा नीचे से भी मार रहा, मैंने देख लिया एक बंदा नीचे से मार रहा है। रुको मैं उसको बताता हूँ, रुक जा, एक बंदा नीचे है, रुक जा पहले इधर इधर देख लेते वो दूसरी गोलियाँ किधर से आ रही थी। नीचे से कोई तो है भाई, नीचे से कोई तो मार रहा था मेरे को। एक मिनट, आखिर है कहाँ भाई वो नीचे वाला बंदा, दिख नहीं रहा यार। अपने बंदे तो मेरे को नहीं मार रहे थे यार, नीचे से कोई बंदा मार रहा था मैंने देखा भाई। एक मिनट यार, जार्विस को भी पड़ रही है, पीछे से कोई मार रहा है आई थिंक, जार्विस के पीछे से कोई मार रहा है, इधर देखता हूँ। एक मिनट यार, ओ भाई ये कार्लो पे तो फटाफट से सिर्फ मैं आरपीजी चला रहा है भाई। प्ले इस बंदे के पास आरपीजी कुछ ज़्यादा ही आ गई क्या? एक मिनट यार, बंदे आखिर गए तो गए का यार, ये नीचे से तो मार रहा था यार मेरे को कोई। एक मिनट यहाँ पे कुछ तो है भाई, क्या है देखो। ओके ओ भाई बंदा, देखो देखो डैमेज हो रहा है। ओ भाई आरपीजी बच गया यार, मैं तो थोड़ी सी डैमेज हो गई लेकिन। ओ भाई बंदा किल हो गया, चलो चलो चलो, नौक है बंदा। एक मिनट भाई 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 क्या है इसके पास। एक मिनट यार, बंदा अभी भी लगता है जिंदा ही है क्या भाई। ओ भाई अभी भी जिंदा है भाई, गोलियां खा के ही मानेगा तू तो। ओ भाई आरपीजी देखा भाई, कितनी इजीली मेरे को आरपीजी यहाँ पे मिल जाते। मैं फटाफट से इसको लेके भागता, मैं जार्विस को बोल देता भाई मेरे को आरपीजी मिल गई बंदे से, जार्विस भी पूरा खुश। ओ भाई चलो बढ़िया है, अब एक काम करते हैं फटाफट से, बिना देरी किए ना हम इसकी रेसिपी लर्न करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी मतलब मेरे पास पहले ही आरपीजी आई है, मैं नहीं चाहता यार कोई मतलब मेरे से ले ले, तो इसलिए मैं इसको फटाफट से रेसिपी जाकर लर्न करता हूँ। लेकिन उसके लिए भाई पता नहीं अपने कैबिनेट में स्पेयर वगैरह है कि नहीं है बचे हुए। एक मिनट यार, होने चाहिए यार, क्योंकि मेरे को अपने टीम के एक मेंबर ने कहा था भाई कि मतलब स्पेयर मैंने कुछ रखे हैं कैबिनेट में। ओके एक मिनट, चलो मैं देखता हूँ चेक करता हूँ भाई। ऐसे मैंने थोड़े बहुत स्पेयर उधर से भी लेकर आया था भाई। ओके गाइज है स्पेयर है, इसके आरपीजी के लिए कितने लगते हैं मतलब 1200 ना आसपास। हाँ भाई 1200, चलो चलो मैं फटाफट से एक बार चेक कर लेता हूँ आरपीजी में कोई बुलेट वगैरह तो नहीं लगी। काश यार कोई बुलेट भी रह जाती इसमें रॉकेट लॉन्चर के साथ में, मतलब सेल्स भी रहते तो मज़ा आ जाता भाई। यहाँ पे पीयूसी मेरे को कुछ सिरिंग वगैरह दे रहा था, बोल रहा था कि चलो फिर से चलते हैं। अब मेरे को एक M762 भी मिल चुकी थी, अभी मैं फटाफट से इसको लर्न कर लेता हूँ गाइस, अब फिर से दोबारा से चलते हैं। आई होप वहाँ से कुछ और भी अच्छी चीज़ें मिल जाए। इसने मेरे को एक बार नॉक भी कर दिया था यार, लेकिन ठीक है भाई कि टीम में रहने से भाई यही फायदा होता है भाई। अभी मैं सोलो रहता ना तो ये इसकी मेरे पास जो गन थी अभी इसके पास होती मेरी गन। ऐसे ये भी चार बंदे भाई, ये मतलब कम नहीं है भाई, तो इसीलिए हमने भी डिसाइड करा कि चलो भाई तेरे को टीम में मारे। ये भाई पूरा इंडिया को नूब नूब बोल रहा था इसीलिए। ओ भाई ये बंदा गया भाई, मैंने एक बंदे को नॉक करा है आई थिंक, उसके पास भी कुछ लूट तो है भाई, वो मार रहा था आई थिंक। एक मिनट उसको चेक करता हूँ मैं फटाफट से, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ। ओ भाई फिर से आरपीजी भाई, अपने को खर्चा पानी मिल गया भाई। अब मेरे को ये अब पीवीपी नहीं करनी है, मेरे को पीवीपी नहीं करनी यार, मैं अब चला अभी भाई। ये बंदा फिर से आया, ये अब ये बेस से बाहर ही नहीं निकल रहा यार, रुके एक मिनट में। ओके गाइस इसने लगता है कोई सामान उठा लिया। चलो एक काम करते हैं, अभी फटाफट से हम अपने बेस में जाते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, और जो भी अपने चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। और जो भी भाई लोगों ने अभी तक अपने डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन नहीं कराया तो फटाफट से कर लो भाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ भाई, जो भी भाई लोग पूछ रहे थे इनके भाई आपके सर्वर का नाम क्या है, तो यार ये सर्वर में मैं तो सोलो स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी कुछ बंदे को पता चल गया था तो इसीलिए मैं उनको अपने टीम में ले लिया। लेकिन भाई जब मैं सोलो खेलूंगा ना तो भाई मैं आपको टीम में नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं आपको सर्वर का नाम नहीं बता रहा था, ठीक है? तो प्लीज उदास मत होना, फिर हमने एक न्यू सर्वर स्टार्ट करेंगे अपने सब्सक्राइबर लोगों के साथ। फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।